गाइस फाइनली सैमसंग ने अपना A20 का सक्सेसर A20s थाईलैंड में लॉन्च कर दिया है और आज की वीडियो में इसका करने वाले कंपैरिजन इन्फिनिक्स होट के साथ। अगर हम बात कर ले दोनों फोन्स के प्राइस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों फोन्स के बेस मॉडल का प्राइस शो किया हुआ है। अगर हम A20s की बात करें तो इसका हमें 3/32 वाला वेरियंट्स 11,000 रुपये का मिल जाता है, वहीं पर इन्फिनिक्स होट 8 का हमें 4/64 वाला वेरियंट 7,000 रुपये की कीमत में मिल जाता है। अगर हम सबसे पहले बात कर ले दोनों फोन्स के स्क्रीन की तो हमें A20s में 6.5 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिलती है, वहीं पर इन्फिनिक्स होट 8 में हमें 6.52 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों फ़ोन में हमें IPS LCD देखने को मिलती है, बट इन्फिनिक्स होट 8 के जो एक्सपेक्ट रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू A20s से, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज भी थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की तो A20s में हमें स्नैपड्रैगन 450 देखने को मिल सकता है जो कि 40 नैनोमीटर पर वर्क करेगा, वहीं पर इन्फिनिक्स होट 8 में हमें मीडियाटेक हीलियो P22 देखने को मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है। तो अगर हम बैटरी कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर ये 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है इन्फिनिक्स होट 8, तो इसकी कंजम्पशन थोड़ी सी कम होगी कंपेरिजन टू A20s से। बात कर लेते हैं ग्राफिक्स की तो हमें A20s में एंड्रीनो के 506 देखने को मिलते हैं, वहीं पर इन्फिनिक्स होट 8 में हमें पावर VRGE8320 देखने को मिल जाते हैं। दोनों फ़ोन एंड्रॉयड 9.0 पाई पर वर्क करेंगे। ओवरऑल बात करें दोनों फ़ोन्स ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल गेम खेलते हैं दोनों फ़ोन्स में अच्छी तरह चल जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स के कैमरास की तो यहाँ पर हमें A20s में 3 बैक रियर कैमरास देखने को मिल जाते हैं, 13+8+5 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल का हमें वाइड लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम इन्फिनिक्स होट 8 की बात करें तो इसमें हमें 13+2+ लो लाइट सेंसर देखने को बैक में मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और लास्ट में हमें लो लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स में हमें फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिल जाता है और दोनों फ़ोन्स में हमें बैक में रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। नो डाउट यहां पर A20s काफ़ी आगे निकल जाता है कैमरे के मामले में कंपैरिजन टू इन्फिनिक्स होट 8 से। बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स की बैटरीज की तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। A20s में हमें 4000mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पर इन्फिनिक्स होट 8 में हमें 5000mAh की बैटरी मिलती है, बट हमें इन्फिनिक्स होट 8 में केवल 10W का नॉर्मल चार्जर मिलता है, बट A20s में हमें 15W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको खुद से गाइस डिसाइड करना होगा कि अगर आपको एक बड़ी बैटरी चाहिए तो आप इन्फिनिक्स होट 8 के साथ जा सकते हैं, अगर आप बैटरी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आपको एक फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए A20s बेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।